जितने भी नेता हैं या जो पॉलिटिक्स करते हैं वो जब जाते हैं स्टेज पे तो बात करते हैं बाबा साहब की, अंबेडकर जी की और काशीराम जी मायावती जी की, लेकिन जब बात आती है उनके घर की तो उनके ड्राइंग रूम में देवी देवताओं की मूर्ति होती है, घर में पूजा पाठ हो रहे होते हैं, ये लोग फिर भी पाखंडवाद से निकल के नहीं आ पा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय और आज मानवर साहब काशीराम जी की 63वीं पुण्यतिथि के 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सब मैं साहब जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, मेरा नाम अशोक कुमार गौतम रोहिणी में रहता हूं। तो जो आपने पूछा है कि स्टेज पर नेता उनकी कथनी करनी में फ़र्क होता है, वो फ़र्क दिखता भी है, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं वो उनके घरों में कुछ और होता है। खास कारण है कि जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं उन्होंने दलितों के और शूद्रों के दिमाग को इस तरह के मनुव्यवस्था के कील ठोकी हुई है जो वो निकल नहीं रही, उससे डरते हैं, उनकी महिलाएं डरती हैं, बच्चों को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो बोलने में और करने में बहुत फर्क करते हैं। मैं समझता हूँ ये इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। हमें जो करना है, जो हमने बाबा साहब ने लास्ट में आखिरी बार जो कहा था कि बुद्ध में भारत बनाने के लिए हमें सभी को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, और हमारा दो ही स्टैंड है, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक प्लेटफॉर्म है और धार्मिक बौद्ध धर्म है, हमें सबको बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। ये जो नेताओं की दोहरी नीति है वो बिल्कुल गलत है, इसको उन्होंने चेंज करना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।